ए फॉर एप्पल, बी फॉर बीटरूट, सी फॉर कैरोट। आज की रेसिपी है एबीसी फ्रूट जूस। हेलो दोस्तों, मैं हूँ नेमत और आप नेमत खाना पर बने हुए हैं। चलिए एक बहुत ही आसान सी मगर बहुत ही हेल्दी और टेस्टी फ्रूट जूस बनाते हैं। इसके लिए मैंने ये सारी चीजें इकट्ठा कर, इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके अलावा मैं इसे मीठा करने के लिए इसमें चीनी का इस्तेमाल करूंगी। आप चाहे तो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डायबिटीज है तो बिना चीनी के इसे इस्तेमाल करें या सैक्रीन इस्तेमाल कर लें। और सबसे हेल्दी ऑप्शन है कि आप इसे शहद से मीठा कर लें या चीनी की जगह मिश्री डाल लें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जी की ड्रेसिंग कर लेनी होगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर सेब का बीज निकालने के लिए इस पीलर का इस्तेमाल किया है। और अगर ये नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से बीज निकाल सकते हैं। बीटरूट के छिलके को हटा लेना है और हमेशा इसे गोल गोल ही छीलना चाहिए। गाजर का भी बाहरी छिलका हम इस पीलर से हटा लेने वाले हैं ताकि हमें बहुत ही अच्छा सा शरबत का कलर मिले। इसकी वजह से कलर थोड़ा सा धीमा हो जाता है। तो अब सारी सब्जियों को इसमें डाल देना है। साथ ही इसमें हम पानी डालने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पर लगभग 3 ग्लास शरबत बनानी है तो मैं 3 कप इसमें पानी डालूंगी। यहाँ पर मैं ठंडा पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसे और हेल्दी बनाने के लिए मैं यहाँ पर पुदीना की कुछ पत्तियां इस्तेमाल कर रही हूँ और चीनी को मैंने भिगोकर पहले से रखा हुआ है। कहने को तो ये एबीसी जूस है लेकिन ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही यमी बनने वाला है। इसमें एप्पल है, कैरोट है और बीट रूट है। बीट रूट तो रेड ब्लड सेल बढ़ाने के काम आता है। और इसमें जो भी फल हमने इस्तेमाल किया है वो बहुत ही हेल्दी है हार्ट के लिए, या पुदीना के पत्ते जैसे स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गाजर आँखों के लिए बहुत फायदेमंद है और एप्पल कोलेस्ट्रॉल को हटाता है। तो ये बहुत ही कीमती, बहुत ही अनमोल शरबत है। तो अब इसे मैं मिक्सी में थोड़ी देर के लिए घुमा लेने वाली हूँ। अब इसको खूब अच्छी तरह से छान लेना है दबा दबा के, ताकि सारे जूसेस जो हैं वो निकल जाएं और बस इसमें कचरा रह जाए। इस तरह से दबा दबा के हमने इसे निचोड़ लिया है और बस अब कचरा इसमें रह गया है। तो इसे हटा लेना है और आप देख सकते हैं कि इसका कितना प्यारा सा कलर आया है। और ये सेहत का खजाना है, जानते हम सभी हैं, मगर इसे करने में थोड़ी सी मेहनत होती है जिसकी वजह से हम कतरा जाते हैं। और हर जगह फल खाने से काम नहीं चलता। अगर हम रोजे में हैं तो हमें थोड़ा सा जूस लेना ही होता है। वैसे तो ये जूस बिल्कुल तैयार है लेकिन अब इसकी सीजनिंग अगर कर ले तो ये टेस्टी भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डाल रहे हैं जीरा पाउडर। ये हमारा सब कुछ होममेड है। काला नमक 1/4 टीस्पून, ये चाट मसाला है, ये भी हमारे घर का बना हुआ है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इसकी रेसिपी भी शेयर कर सकती हूँ। साथ में है ये इलायची पाउडर, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट भी आता है, खुशबू भी आता है और ये प्यास की शिद्दत को भी रोकता है। तो अगर किसी ने इसे रोज़े में पीना है तो वो इलायची पाउडर डालेंगे तो उन्हें प्यास नहीं लगेगी और मुंह नहीं सूखेगा। या किसी को अगर बाहर गर्मी में निकलना है तो वो अगर इसे पी कर निकले तो उसे लू नहीं लगेगा। ये जूस एक सेहत का ख़जाना है और डायबिटिक पेशेंट के लिए ये बिल्कुल रेडी है। बिना चीनी के इसकी नेचुरल मिठास के साथ आप पियेंगे, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और अब जिन्हें मीठा पसंद है उनके लिए मैंने ये चीनी भिगो के रखा है। तो इसमें चीनी मिला लेना है। मैंने
कम ही चीनी मिलाई है, बस एक ग्लास में एक भर कर टीस्पून या डेढ़ टीस्पून के हिसाब से। अगर बच्चे पीने वाले हैं तो वो इसे कुछ ज़्यादा मीठा भी पी सकते हैं। इस शरबत को बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये कंप्लीट एक अगर ग्लास अगर पी लिया जाए तो ये पूरे दिन के लिए आपके सेहत का सेहत की हिफाजत करेगा। इसमें विटामिन ए और B12 भरपूर है, तो ये B12 की भी पूर्ति करता है। अब इसे ग्लास में डाल लेते हैं। अब विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हम इसमें मिलाने वाले हैं 1 लेमन जूस। और शरबत सर्व करने के लिए बिल्कुल उसी वक्त बनाएं जिस वक्त आपको पीना हो। बहुत देर पहले से बनाकर शरबत को नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की रेसिपी को आपने बहुत एंजॉय किया होगा। आप भी इसे बनाएंगे, पी कर देखें, पिला कर देखें और अपने कमेंट हमारे साथ शेयर करें। नए विजिटर्स हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद है आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा।